स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। सो उद्देश्य प्रबंध भी इसको हम बोल सकते हैं। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। उद्देश्य निर्धारण किसी भी संस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है, क्योंकि आगे के सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट उद्देश्यों पर बेस्ड हो सकते हैं। सो उद्देश्य प्रबंध को केवल उद्देश्य निर्धारण की विधि के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि कुछ इसे प्लानिंग के सोर्स के रूप में तो कुछ इसे कंट्रोलिंग के टेक्निक के रूप में भी अपनाते हैं। कभी इसे वर्क परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की विधि के रूप में तो कभी अभिप्रेरण की तकनीक के रूप में अपनाया जाता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। किसी भी विद्वान को सो उद्देश्य प्रबंध प्रणाली का जन्मदाता नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस सिस्टम को सबसे पहले पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में अपने बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में उन्होंने इसका उपयोग किया था, और उसके बाद कई और प्रबंधकों ने भी इसको नए नए डायमेंशंस दिए हैं। इसके कई नाम हो सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स, गोल्स मैनेजमेंट यानी कि लक्ष्य प्रबंध, परिणामों द्वारा नियोजन, प्लानिंग बाय रिजल्ट्स भी हम इसको बोल सकते हैं, कार्य नियोजन एवं पुनरावलोकन, वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू, संयुक्त लक्ष्य निर्धारण, ज्वाइंट टारगेट सिस्टम। तो कई सारे नाम इसके उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के हो सकते हैं। तो वास्तव में ये है क्या, इसका मीनिंग और डेफिनेशन हम देखते हैं। सुउद्देश्य प्रबंध वास्तव में वह प्रणाली है जिसमें उद्देश्यों को हायर अथॉरिटी यानी कि अधिकारी और सबऑर्डिनेट्स जो अधीनस्थ हैं उनके द्वारा एक ग्रुप एफर्ट्स किया जाता है, और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गए प्रयासों की प्रगति का सामयिक मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरह से पहले उद्देश्य सेट किए जाते हैं और उसके बाद में अधिकारियों और कर्मचारियों में विभागों में इसको विभक्त करके और संस्था की कार्यप्रणाली चलती रहती है। तो सबसे पहली डेफिनेशन हम पीटर एफ ड्रकर की लेते हैं। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार सो उद्देश्य प्रबंध एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक प्रबंधक की तथा संपूर्ण क्रम दोनों की कार्यकुशलता में सुधार हेतु निगमीय, विभागीय और प्रत्येक स्तर के प्रबंध के स्तर पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज रिगार्डेड एज अ सिस्टम फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बोथ द इंडिविजुअल मैनेजर्स एंड द एंटरप्राइज एज अ होल बाय द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एट द कॉरपोरेट, डिपार्टमेंटल एंड इंडिविजुअल मैनेजर्स लेवल। कहने का तात्पर्य है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी संस्था के हायर अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट, सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स द्वारा संयुक्त रूप से उस संस्था के सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति से उन उद्देश्यों के अनुसार कार्य करके और उससे जो अपेक्षित परिणाम है उनके संदर्भ में उनको दायित्व दिए जाते हैं और इनकी व्याख्या की जाती है, प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं, और उसके बाद में प्रत्येक सदस्य के योगदान के मूल्यांकन में मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से सो उद्देश्य प्रबंध एक प्रणाली है जिसके द्वारा किसी संस्था के वरिष्ठ एवं अधीनस्थ यानी कि सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट पर संयुक्त रूप से संस्था के सामान्य उद्देश्य को निर्धारित करते हैं, प्रत्येक सदस्य से अपेक्षित परिणामों को परिभाषित करते हैं, और उन्हें उद्देश्यों और अपेक्षित परिणामों को संस्था का संचालन करने और प्रत्येक सदस्य के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग करते हैं। तो इस तरह से आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इन दिस डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मे बी एट द इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज द कॉरपोरेट लेवल, डिपार्टमेंटल लेवल, हर एक लेवल पर उद्देश्यों का निर्धारण इसके अंतर्गत किया जा सकता है। हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहली विशेषता इसकी कि उद्देश्य प्रधान होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। इसके अंतर्गत उद्देश्यों को ध्यान में रखकर के प्रत्येक मंडल, विभाग, उप विभाग और कर्मचारी के उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। सेकंड विशेषता इसकी है पार्टिसिपेशन या सहभागिता।
सभी संबंधित व्यक्तियों की सहभागिता होती है। सभी अधीनस्थ कर्मचारी मिलकर आपसी विचार विमर्श के द्वारा ही प्रत्येक विभाग उपविभाग के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट ले सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ की परफॉर्मेंस एरिया, महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों की पहचान की जाती है जिसके के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जा रहा है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस निष्पादन मूल्यांकन, यानी कि सहभागिता के आधार पर ही उद्देश्यों का जब निर्धारण किया जाता है तो उसके बाद में उनका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या उस आधार पर कर्मचारी को उतना पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए या अगर उसके निष्पादन में कमी है तो उसको दूर करने के क्या प्रयास किए जाने चाहिए, यह भी इसके अंतर्गत बताया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल सिस्टम, क्रियात्मक प्रणाली है क्योंकि व्यवहार में इसको अपनाया जा सकता है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इसको बनाया जा सकता है। साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज अकाउंटेबिलिटी रहती है, विकेंद्रीकृत जवाबदेही है, हर एक व्यक्ति अपने स्वयं के कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ इसको हम व्यापक विचारधारा कह सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है क्योंकि आर्थिक और मानवीय दोनों ही पहलुओं को ये ध्यान में रखती है। साथ ही साथ ये सिस्टम अप्रोच है, प्रणालीगत विचारधारा इसको कह सकते हैं, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने पर यह बल देती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। साथ ही साथ इट्स अ सिंपल टेक्निक, बहुत ही सरल तकनीक के रूप में से अपनाया जा सकता है। और लास्ट इसका फीचर हो सकता है सार्वभौमिक है। स्वउद्देश्य प्रबंध प्रणाली को सार्वभौमिक इसलिए कहा जा सकता है, यूनिवर्सल, बिकॉज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन एवरी फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, लाइक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि सभी कार्यों में उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सकता है और उन उद्देश्यों के निर्धारण के आधार पर आगे की कार्यप्रणाली तय की जा सकती है।